मैं हूं तबिता और आशा करती हूं गाइस आप लोग अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस जो बिग अपडेट मैं आप लोगों को देने आई हूं वो ये है कि वेस्ट बंगाल में तो डिसीजन ले लिया गया है ऑफलाइन एग्जाम्स का, यानी कि उन्होंने बोला 12th और 10th दोनों के हम एग्जाम्स लेंगे और 12th के एग्जाम्स जो है उन्होंने बोला जुलाई में लेंगे और 10th के एग्जाम जो है अगस्त में लिए जाएंगे सेकेंड वीक से। सो वहाँ के लिए तो ऑफलाइन का डिसीजन आ गया, बट व्हाट अबाउट अस, अब और जगह का क्या डिसीजन होने वाला है? सो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। बट एक और न्यूज़ जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि ऑफलाइन एग्जाम्स जो डिसीजन लिया गया था हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से कि ऑफलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, उसके अगेंस्ट 300 पिटीशन फाइल करी गई है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई ये ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी गई है। तो लगभग 300 स्टूडेंट्स ने मतलब उनके पेरेंट्स ने या स्टूडेंट्स ने उन्होंने पिटीशन फाइल करी है कि ये ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। सो ऑफलाइन एग्जाम्स के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई है और हम भी बहुत टाइम से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं गाइस कि ऑफलाइन एग्जाम्स किस तरीके से एक मतलब डिफ़िकल्ट होगा हर एक स्टूडेंट के लिए अपेयर करना सबसे पहली चीज़, और कितना नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि इस समय पर जब हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को कराने की बात करी जा रही है। तो ये पता नहीं क्या सोच के कराई जा रही है, बट ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के अगेंस्ट 300 पिटीशन फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सो मैं भी आप लोगों से राय जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग रेडी हो ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर? क्योंकि ऑनलाइन तो फिर भी हम एक पल को फेस कर सकते हैं, बट ऑफलाइन एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम्स दिलाना चाहते हो तो फर्स्टली आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगानी है, तभी आप एग्ज़ाम्स दिलाओ, वरना हमारे जो सेंटर्स हैं वही कोविड सेंटर्स बन जाएंगे बिकॉज वो इतना स्प्रेड हो जाएगा, राइट? तो ये बात कही गई थी। तो ये चीज़ आई होप वो लोग एक नया और सही डिसीज़न लें कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो वो कराने की बात कर रहे हैं वो हार्मफुल ना हो जाए किसी के लिए भी। सो गाइज पता नहीं, लेकिन आप लोग जितना आप लोग समझ पा रहे हो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स क्यों कराने की बात करी जा रही है पता नहीं, बट मैं यही चाहती हूँ कि एक नया और सही डिसीज़न लिया जाए जिससे कि हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल सके और जो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन हमारी एग्ज़ाम्स को लेके अनक्लियर चल रही है उसको भी हम क्लियर कर सकें, राइट? सो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करना गाइज़, आप क्या चाहते हो? आप ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम चाहते हो, या फिर आपकी मनोकामना कैंसिलेशन वो चाहते हो? तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है गाइज आप मेरे से इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, मेरी आईडी है तबिता मैसी। और किसी भी टॉपिक में अगर आप आके अटकते हो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में या फिर वैसे नॉर्मल किसी टॉपिक में अपनी लाइफ को लेके, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तबिता मैसी इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है। थैंक यू सो मच।